Hello students, myself Manohar Chandelia, Team Zoology. आज हम solution करवा रहे हैं आपके last minor 14th का, जिसमें application zoology second part है, animal husbandry, immunity और उसके साथ साथ drug alcohol abuse. Clear? Start करें. Question number 91 है. Which of the following is helpful to influence the immune system under the control of our mind? हमारे mind के control में इनके अंदर जो है वो कौन कौन से system जो है वो immunity को, मस्तिष्क के नियंत्रण में, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रेरित करने में कौन कौन से system जो है वो सहायक होते हैं. Clear? तो इनमें आप देखें, first neural system, ये help करता है. आदमी मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है तो वो उसकी इम्यूनिटी जो है वो मेंटेन रहेगी. क्लियर? इम्यूनिटी को प्रेरित करेगा. हार्मोनल सिस्टम, ये भी प्रेरित करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये उसको इफेक्ट नहीं करता. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर? उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 92. इफ एन एंटी पैथोजेनिक केमिकल इज बींग सिक्रेटेड ड्यूरिंग आवर नॉर्मल फिजियोलॉजी विदाउट एनी एक्सपोजर, विदाउट एनी पैथोजेनिक एक्सपोजर, व्हाट शुड बी द कैटेगरी ऑफ दिस पीरियड? अगर बिना किसी बाहर के पैथोजन के आए, बिना किसी रोगाणु के शरीर में प्रवेश किए, उस कंडीशन में बॉडी की फिजियोलॉजी या बॉडी का कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, वो अगर कोई एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है, एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस का मतलब पैथोजन को या माइक्रोब्स को खत्म करने वाला एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है, तो वो किस तरह के बैरियर में इसको शामिल करेंगे? व्हाट शुड बी द कैटेगरी ऑफ दिस बैरियर? किस तरह का जो है वो उसमें बैरियर होगा? तो वो बैरियर जो है वो क्या होता है, इनमें फिजियोलॉजिकल बैरियर होंगे, जिसके अंदर जैसे बिना पैथोजन के एंट्री के सलाइवा सिक्रीट हो रहा है. सलाइवा में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है. क्या करेगा? कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अगर आ रहा है तो क्या करेगा? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा. ऐसे ही गैस्ट्रिक जूस है, उसमें HCl सिक्रीट होता है, वो भी बॉडी के अंदर एंटर करने वाले फूड के साथ आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन से बचाता है. क्लियर यहाँ तक? तो वो क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के थ्रू या फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो इसमें सिक्रीट हो रहा है, बन रहा है, जो एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस है, पैथोजन के आते ही उसको खत्म कर देगा. क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका? सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा. क्लियर? इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इननेट इम्यूनिटी. दो तरह की इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी आपको ध्यान है भाई, जन्मजात इम्यूनिटी होती है जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है. इसके लिए आपको इनकरेक्ट देखना है. फर्स्ट, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये जन्म के साथ ही, बर्थ के साथ ही डेवलप होती है. इट प्रिवेंट्स द डिफरेंट एंटीजन्स इन सेम वे, हर तरह के एंटीजन पे सेम वे में, सेम पैटर्न पे काम करती हैं. नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ एंटीजन्स. ये मेमोरी बेस्ड जो है वो नहीं है. क्लियर? ये किसी सब्सिक्वेंट अटैक पर जो है, एंटीजन के अटैक के अकॉर्डिंग जो है वो कोई इंटेंसिफाई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करती. ये कौन करेगा? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फंक्शन है, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा. इट हैज़ नो एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेशन. ये भी करेक्ट है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है, इननेट इम्यूनिटी की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती. क्लियर? तो ये इसमें करेक्ट है. तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट आंसर, बाकी तो सब इसके लिए करेक्ट है. तो इसमें से पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा है. तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? थर्ड इसके लिए इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर थर्ड हो जाएगा. इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 94. मैच द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम ए टू दैट ऑफ देयर एग्जांपल गिवन इन कॉलम बी एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम गिवन कोड्स. इनमें आपको देखना है फिजिकल बैरियर्स में किनको इंक्लूड करेंगे, फिजियोलॉजिकल में क्या करेंगे. फिजिकल बैरियर्स कौन से हो जाएंगे? म्यूकोसा एंड स्किन. अपने बॉडी के अंदर जो म्यूकोसा बन रही है, म्यूकोसा है, ये स्किन, ये जो है वो क्या हो जाएंगे इनमें? ये फिजिकल बैरियर्स है. क्लियर? इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर में
फिजियोलॉजिकल बैरियर में हो जाएगा सेलाइवा और एचसीएल। सेलाइवा के अंदर एक लाइसोजाइम जो है वो सिक्रीट होता है, तो लाइसोजाइम जो सिक्रीट होता है सेलाइवा में वो क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, और एचसीएल जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। सेलुलर बैरियर में पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होगी और मोनोसाइट्स हैं जो फेगोसाइटिक है दोनों सेल्स, तो दोनों फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो सेलुलर बैरियर हो गए, और एक जो है वो इसमें डी साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इफ द इम्यून सिस्टम ऑफ ए पर्सन इज जनरेटिंग द एनेमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, एनेमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब होता है सेकेंड टाइम जो है वो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर पर सेकेंड टाइम होने वाला जो रिस्पॉन्स है वो एनेमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो इफ द इम्यून सिस्टम ऑफ ए पर्सन इज जनरेटिंग द एनेमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट अटैक ऑफ ए वेरी हार्मफुल एंटीजन पैथोजन फाइंड आउट द प्रोबेबल रीजन। क्या कहना चाह रहा है इसमें, यदि एक व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी हानिकारक एंटीजन के प्रथम आक्रमण के समय भी अत्यंत तीव्रता से एनेमनेस्टिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रदर्शित करता है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। पहली बार कोई बैक्टीरिया वायरस गया, उस पहली बार बैक्टीरिया वायरस के जाने के बाद भी अगर वो एकदम फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब उसमें पहले से उसका कोई ना कोई इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया वायरस गया हुआ है, दैट इज वैक्सीनेशन। तो वो पहले से वैक्सीनाइज है या फिर उसमें पहले से इम्यूनाइजेशन हो रखा है। तो पहले से वैक्सीनेटेड है तो उसके अंदर जो है वो क्या रहेगा, वो एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट चलेगा। तो पर्सन हैज बीन इम्यूनाइज्ड बाय यूजिंग द प्रॉपर वैक्सीन, कि वो पहले से ही वैक्सीनेटेड है। जैसे मान लो इनके अंदर जो है वो कोरोना वायरस है, उसके लिए वैक्सीनेटेड है, तो वैक्सीनेटेड होगा इसका मतलब कोई भी वायरस अगर आ रहा है, सेम टाइप का वायरस अगर वापस सब्सिक्वेंट एक्सपोजर कर रहा है, तो वो पहले से जो एंटीबॉडी तैयार है उसके अगेंस्ट वो उसको ख़त्म कर देंगे। क्लियर। तो ये इनके अंदर जो है वो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कि वो पहले से ही किसी प्रॉपर वैक्सीन के कारण जो है वो इम्यूनाइज्ड हो रखा है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 96 में इसमें दिया हुआ है, इसमें देखिए भी 96 है, कंसिडर अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के रिगार्ड में आपको ये देखने हैं स्टेटमेंट्स, दीज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ गामा ग्लोबुलिन, ये करेक्ट है। गामा ग्लोबुलिन से जो है वो बनी होती है एंटीबॉडी, अपने आप में क्या है केमिकल नेचर अगर एंटीबॉडी का देखें तो क्या होती है वो गामा ग्लोबुलिन होती है। देयर स्ट्रक्चर्स इज स्टेबिलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये भी करेक्ट है। दोनों एंटीबॉडी की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में, जैसे मान लो ये इनके अंदर हैवी चेन है और ये इसकी लाइट चेन है, तो हैवी और लाइट चेन जो है वो आपस में किससे स्टेबिलाइज होगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इनके बीच बीच में इस टाइप से डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो इनको आपस में कनेक्ट करता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन फ्रॉम नॉर्मल बी सेल्स इज फास्टर देन प्लाज्मा सेल्स, ये गलत है। प्लाज्मा सेल्स जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए डिफरेंशिएट सेल होती हैं, तो प्लाज्मा सेल जो डिफरेंशिएट हो गई उसका काम ही क्या है, एंटीबॉडी को फास्ट डेवलप करना। तो फास्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो प्लाज्मा सेल्स करती हैं, नॉर्मल बी सेल्स नहीं करती हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ए डाइमेरिक फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी हैज फोर एपिटोप्स, डाइमेरिक फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी का मतलब इसमें जो है वो कितने एपिटोप्स, एपिटोप्स जो है वो एंटीजन की सरफेस को कहेंगे जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होती है, और पैराटोप जो होते हैं वो एंटीबॉडी की सरफेस होती है। क्लियर आ तक। तो डाइमेरिक अगर फॉर्म है तो डाइमेरिक फॉर्म का मतलब है कि इनके अंदर जो है वो इस टाइप की दूसरी एंटीबॉडी जो है वो और प्रेजेंट है, इसमें मोनोमर जो है वो इसका और प्रेजेंट है, ये डाइमेरिक होगी। अब डाइमेरिक के अंदर पैराटोप जो है वो फोर होंगे, एक ये पैराटोप हो गया, ये पैराटोप हो गया, एक ये पैराटोप हो गया, एक ये पैराटोप हो गया, तो पैराटोप इसमें फोर है। एपिटोप एंटीजन की सरफेस को कहेंगे जहां वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होती है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया।
एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज फोर पेप्टाइड चेन्स, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में एक मोनोमर है उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, टू हैवी चेन्स एंड टू लाइट चेन, इसीलिए इनको कहते हैं H2L2। क्लियर यहां तक? तो ये भी इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या पूछा इसमें, सेलेक्ट द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, सर करेक्ट स्टेटमेंट के सेट को सेलेक्ट करना है, तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और ई करेक्ट है, तो ए बी एंड ई थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, एंटीबॉडीज ऑफ कोलोस्ट्रम मिल्क प्रोवाइड द कंसिडरेबल इम्यूनिटी टू न्यू बोर्न अगेंस्ट द इंजेस्टेड और इनहेल्ड एंटीजन्स, फाइंड आउट द टाइप ऑफ दिस इम्यूनिटी। अगर क्या किया जा रहा है इसमें, कोलोस्ट्रम और दुग्ध की प्रतिरक्षी नवजात को अंतःश्वसित या निग्रहण किए गए प्रतिजनों के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करती है, तो यह कौन सी प्रतिरक्षा होगी। क्लियर? इसमें अगर कोलोस्ट्रम के थ्रू या मिल्क के थ्रू जो है, वो मिल्क में जो कोलोस्ट्रम होता है फर्स्ट मिल्क, उसके थ्रू अगर कोई एंटीबॉडी जा रही है बच्चे में, इसका मतलब वो रेडीमेड एंटीबॉडी है, पहले से प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी या रेडीमेड एंटीबॉडी का किसी भी दूसरे इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म में दूसरे जीव के अंदर जाना, वो अपने आप में जो है वो क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी है। और ये पैसिव इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल प्रोसेस से जा रही है, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होगी। एक तो क्या होता है, जैसे मान लो इनके अंदर जो है वो रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट की जा रही हो, तो रेडीमेड या प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर रहे हैं, तब तो वो क्या, वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। और अगर वो मिल्क के साथ जा रही है, प्लेसेंटा से जा रही है, तब वो क्या होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी हो जाएगी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होगी, थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड बाई टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो टी और बी लिम्फोसाइट्स है वो इनमें किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी इसी से प्रोवाइड होता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स भी अगर आता है तो भी इनके कारण होता है। प्रिवेंशन ऑफ पैथोजेनिक एंट्री इन बॉडी, ये इसमें नहीं होगा। प्रिवेंशन ऑफ पैथोजेनिक एंट्री जो है वो बी और टी लिम्फोसाइट्स का काम नहीं होता है। एंट्री को रोकने का काम जो है वो फिजिकल बैरियर्स है, वो एंट्री को रोकने का काम करेंगे। समझ में आ गई? इसको एंट्री जो हो रही है उस एंट्री को रोकने का काम जो है वो कौन करेंगे, इनमें फिजिकल बैरियर्स करते हैं, तो ये नहीं करेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 99, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ए मोनोमर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज फोर पेप्टाइड चेन्स, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है उसका मोनोमर, उसके पास कितनी पेप्टाइड चेन है, अभी आपको बताई थी फोर पेप्टाइड चेन होती हैं, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन। क्लियर? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। बीटा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बट नॉट हेल्प इन मेमोरी, ये गलत है। बीटा सेल्स के अंदर जो है वो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी सेल्स है, ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो करती हैं, इसके साथ साथ इनके अंदर मेमोरी में भी इंटरेक्शन को फीड रखती हैं। दो टाइप की होती हैं, एक प्लाज्मा सेल्स और दूसरी बी मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स का काम क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और बी मेमोरी सेल्स जो है वो इनके इंटरेक्शन को जो मेमोरी में फिट रखती है, ताकि सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स हो वो फास्ट हो सके। तो ये इसके लिए इनकरेक्ट है। सम टी सेल्स डायरेक्टली अटैक ऑन एंटीजन्स, ये भी करेक्ट है। सम टी सेल्स हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये भी करेक्ट है, क्योंकि टी हेल्पर सेल जो है वो बी सेल्स को एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए भी स्टिमुलेट करती है, और कुछ टी सेल्स जैसे टी किलर सेल या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है वो डायरेक्ट जो है वो क्या करती है, टी किलर सेल्स या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है उनका क्या फंक्शन है, तो टी हेल्पर सेल का जो फंक्शन है वो तो क्या रहेगा, आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना एंटीजन को, और उसके बाद बी लिम्फोसाइट्स को जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करना। और जो टी साइटोटॉक्सिक सेल या टी किलर सेल है वो डायरेक्ट भी उस पर अटैक कर सकती हैं। तो ये बाकी सब सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्लियर? इनकरेक्ट पूछा है तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखें 100, सेलेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाई किलर टी सेल्स, इनकरेक्ट देखना है इसमें भी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाई
किलर टी सेल्स, गलत है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब जो है वो क्या होता है कि बाहर से कोई एंटीजन आई है तो खुद की बॉडी ऑन सेल्स जो है वो अगर एंटीबॉडी तैयार करती हैं तब उस कंडीशन को कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो प्रोवाइड की जाती है वो बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड कर रही हैं, इसका मतलब टी किलर सेल्स जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रही, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाई नॉन सेल्फ एंटीबॉडी। पैसिव इम्यूनिटी में अभी आपको बताया भी नॉन सेल्फ एंटीबॉडी का मतलब होता है कि बाहर से ही प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी या रेडीमेड एंटीबॉडी को इंसर्ट करवाया जाता है, तब होती है वो पैसिव इम्यूनिटी, तो ये करेक्ट है। ए एम आई इज प्रोवाइडेड बाई बी सेल्स एंड फैसिलिटेड बाई टी हेल्पर सेल्स। तो ए एम आई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है, बी लिम्फोसाइट करवाएगी, और बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए जो स्टिमुलेट करती हैं वो कौन करती हैं, टी हेल्पर सेल करती हैं, तो एंड फैसिलिटेटेड बाई टी हेल्पर सेल्स, ये भी करेक्ट हो गया। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज नॉट प्रोवाइडेड बाई टी सी सेल्स। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज नॉट प्रोवाइडेड बाई टी सी सेल्स। टी सी सेल्स टी साइटोटॉक्सिक सेल है, वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा, बी लिम्फोसाइट करती हैं जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। क्लियर आता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 101। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ए मिसमैच्ड ग्राफ्ट। इसमें इम्यून रिस्पॉन्स की या इम्यूनिटी का कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी भी मिसमैच ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट कर देता हो। ध्यान है भी आपको, सी एम आई जो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सी एम आई के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन की, वो खुद की सेल्स को या बाहर से आने वाले पैथोजेंस को जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती हैं, इसीलिए कई बार उसमें जो है वो ग्राफ्ट जो भी ट्रांसप्लांटेशन किए जाते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर, तो इसके लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन की जो एबिलिटी है वो इनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इसमें जो है वो रिजेक्शन के लिए ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 102। सेलेक्ट सब्सटेंस विच इज नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। इनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको एलर्जी की कंडीशन में यूज नहीं किया जाता है। एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एड्रीनलिन यूज होता है, एल्डोस्टेरोन का इसमें यूज नहीं होता है। ये एड्रीनल कोर्टेक्स का एक हार्मोन है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, इसका यूज नहीं होता। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स या कोर्टिसोल हार्मोन है वो यूज होता है इसमें। एंटी हिस्टामिन मेडिसिन ये भी यूज होती है। क्लियर आ तक, क्योंकि एलर्जी की कंडीशन में जो है वो क्या होता है, हिस्टामिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, तो हिस्टामिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन में एंटी हिस्टामिन जो है वो उसको दिए जाते हैं। वो एंटी हिस्टामिन है वो हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करेगा जिससे इम्यून जो उसमें एलर्जी है उसके सिम्टम कम हो जाते हैं। क्लियर, तो कौन सा यूज नहीं होता है इनमें, एल्डोस्टेरोन का यूज जो है वो इसके लिए नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद देखें 103। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट हु हैज इन्फेक्टेड विद अ डेडली एंटीजन। अगर कोई आदमी किसी घातक एंटीजन से जो है वो ग्रस्त है और उसके अंदर वो डेडली एंटीजन जो है वो उसमें जा चुका है, उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट अगर करना हो तो उस इन्फेक्टेड पर्सन का ट्रीटमेंट करने के लिए जो है वो क्या करेंगे, बाहर से जो रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, बाहर से जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी है उनको बॉडी में इंजेक्ट करवाएंगे। ऐसी कंडीशन अगर आ रही है तो बाहर से जो रेडीमेड एंटीबॉडी होती हैं उनको इंजेक्ट करवाते हैं, और रेडीमेड एंटीबॉडी को इंजेक्ट करवाना ये किस तरह की एंटीबॉडी इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनाइजेशन जो है वो किस टाइप का होगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन है, और पैसिव होने के साथ साथ आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन, बाहर से वैक्सीन इंजेक्ट करना वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है। क्लियर यहाँ तक, तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन होगा, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद देखें 104। द वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी हैज़ बीन डेवलप्ड विद हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ध्यान अभी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो है वो अब नई जनरेशन के वैक्सीन जो है वो तैयार हो रहे हैं। इन्हीं वैक्सीन में जो है वो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है वो तैयार किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ द वैक्सीन। इस वैक्सीन का सोर्स जो है वो क्या होता है, ईस्ट फंजाई होते हैं, समझ गए,
हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन तैयार किया गया है वो ईस्ट फंजाई के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो है वो इसको तैयार किया गया है, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर में अपियर इन बॉडी व्हेन द इम्यून सिस्टम लूजेस इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ए सेल्फ टिश्यू। अगर इम्यूनिटी सेल्फ और नॉन सेल्फ को प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए तो ऐसी कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर हो जाते हैं जिनको ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहेंगे। इस तरह की बीमारियाँ ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती हैं जिसमें मायस्थेनिया ग्रेविस है, हाशिमोटो डिजीज है, उसके अंदर बॉडी की या इम्यूनिटी की जो है वो ये जो प्रॉपर्टी है जो सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट करने की वो उसमें लॉस्ट हो जाती है, जिससे वो खुद की सेल्स को ही या खुद के बॉडी ऑर्गेन्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, वो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएंगे, क्लियर। करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद देखें 106, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्प्लीन। स्प्लीन के जो है वो संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देखने आपको सबसे पहले, इट इज ए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स। स्प्लीन क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स अपने में दो ही है, बोन मेरो और दूसरा थाइमस। तो बोन मेरो और थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स है जिनमें लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन या उसकी मैचुरेशन होती है, क्लियर। यहाँ तक इंटरेक्शन जहाँ होती है लिम्फोसाइट्स की एंटीजन के साथ वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स है, क्लियर। तो इट इज ए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स इनकरेक्ट हो गया। इट इज हीमोपोएटिक इन नेचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये करेक्ट है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है वो आरबीसी का प्रोडक्शन भी स्प्लीन में होता है, इट मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, ये करेक्ट है। लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं इसकी पल्प में। इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ बॉडी बाय ट्रैपिंग ब्लड बोन पैथोजेंस, अगर ब्लड के साथ कोई पैथोजेंस आ रहे हैं, कोई भी एंटीजेंस माइक्रोब्स ब्लड के साथ निकल रहे हैं तो वो क्या होते हैं, स्प्लीन से होते हुए निकलेंगे। स्प्लीन से होते हुए निकलेंगे तो स्प्लीन क्या करेगी, उसको ट्रैप कर लेती है, वहीं पर उसको रोक लेती हैं और एंटीजेंस जो है उसकी ग्रोथ को, इसमें एंटीबॉडीज जो है उसकी ग्रोथ को वहाँ रोकेंगे, क्लियर यहाँ तक। तो ये इनके अंदर जो है वो क्या रहेगा, इसमें ये भी करेक्ट हो गया, इट मीन्स ऑल आर करेक्ट एक्सेप्टिंग द ए, तो ए को छोड़कर बाकी सारे करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर ही क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा इसका, क्लियर। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स कंस्टिट्यूट अबाउट 50% पार्ट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा जो 50% पार्ट है लिम्फोइड टिश्यू का वो क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, माल्ट होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये इनके अंदर जो है वो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या माल्ट जो है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, जो 50% इम्यूनिटी को या इम्यून सिस्टम को कंपोज करता है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 108, मेजर्स विच आर यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल द यूज ऑफ कंट्रोल ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स एब्यूज अमंग एडोलेसेंस। जो एडोलेसेंट्स होते हैं, किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर इसके एल्कोहल ड्रग एल्कोहल जो है इनके एब्यूज़ को रोकने के लिए इनमें से कौन कौन से जो है वो मेजर किए जा सकते हैं, उपाय जो है वो कौन कौन से किए जा सकते हैं, इनमें विशेष रूप से कारगर होंगे। अवॉइड अनड्यू अंडर पीयर प्रेशर, अनड्यू पीयर प्रेशर को अवॉइड करना, ये सही है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ये भी सही है। अंडू पीयर प्रेशर का मतलब कि अगर बच्चा कर ही नहीं सकता है तो समकक्षी जो दबाव जो डाला जा रहा है उस दबाव से बचें। दूसरा एजुकेशन एंड काउंसलिंग, प्रॉपर उसको एजुकेशन दी जाए, शिक्षा और परामर्श। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, ये भी सही है। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, ये भी करेक्ट है। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी डी ई सारे इसके लिए जो है वो करेक्ट है। ये सारे ऐसे उपाय हैं जो किसी भी बच्चे को, एडोलेसेंस को, किशोर को ये अल्कोहल और ड्रग एब्यूज से जो बचा सकते हैं।
क्लियर आंसर, करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट है, इन आवर कंट्री द ऑर्गेनाइजेशन विच आर डूइंग ए लॉट ऑफ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, एड्स के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए जो है वो हमारे देश में कौन कौन से संगठन जो है उसके लिए कार्य करते हैं। एक तो इसके लिए एनजीओ करते हैं, एनजीओ कर रहा है, एक तो नेशनल जो है वो इसमें सॉरी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी कर रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी करता है। सीडीआरआई का काम जो है वो इसमें नहीं होता है, सीडीआरआई का काम जो है वो क्या होता है, ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका काम जो है वो ड्रग्स फॉर्मेशन करना होता है, नई नई तरह की ड्रग्स बनाना, ये सीडीआरआई का फंक्शन है। तो ये इनके अंदर जो है वो नैको और एनजीओ ये दोनों इस पर काम करती हैं। तो आंसर इसमें हो जाएगा फोर्थ, क्लियर। उसके बाद 10 इसमें 110 कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस बाय इंडिया एंड चाइना इज, पूरे वर्ल्ड फार्म प्रोडक्शन में जो है उनके अंदर जो है वो लाइव स्टॉक से जो प्रोडक्शन हो रहा है उस लाइव स्टॉक से होने वाले प्रोडक्शन में इंडिया और चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, 25% है, जबकि लाइव स्टॉक जो है वो पूरे वर्ल्ड का जो है वो इनके पास कितना है, लगभग 70% जो लाइव स्टॉक है वो केवल इन दो देशों में, पूरे वर्ल्ड का जो पशुधन है उसका 70% पशुधन या लाइव स्टॉक है वो केवल इंडिया और चाइना में है, लेकिन उसके बाद भी इसका प्रोडक्शन जो है वो केवल 25% ही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं टेक्निक्स जो है वो इंडिया और चाइना दोनों के अंदर ही जो है वो कहीं कोई बेटर इम्प्रूवमेंट वाले टेक्निक्स का यूज जो है वो नहीं किया जा रहा है, क्लियर आंसर। इसलिए प्रोडक्शन जो है वो इतना ज़्यादा लाइव स्टॉक होने के बाद भी प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो कितना परसेंट प्रोडक्शन है, 25%। और अगर लाइव स्टॉक पूछा जाता है कि लाइव स्टॉक कितना है इन दोनों कंट्री में, तो वो 70% होता है, क्लियर आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद आप देखें 111 हिस्सरडेल इज ए ब्रीड ऑफ सीप डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग, हिस्सरडेल भेड़ की एक नस्ल है, वो किससे बनी है, बीकानेरी एवीज एंड मेरिनो रैम्स से, फर्स्ट आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। बीकानेरी एवीज और मेरिनो रैम्स ये दो डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स है, इनके बीच क्रॉसिंग से हुई है, तो किसका एग्जाम्पल है, ये क्रॉस ब्रीडिंग होती है, समझ गए, क्या होती है, ये क्रॉस ब्रीडिंग है, जहाँ ब्रीड डिफरेंट है लेकिन स्पीसीज सेम है, तो सेम स्पीसीज की डिफरेंट ब्रीड के बीच क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस ब्रीडिंग है, समझ गए। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग के कारण जो है वो प्रोड्यूस की गई है क्रॉस ब्रीडिंग से, क्लियर, तो फर्स्ट आंसर ही करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद 112 इन विच मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर मेटेड, अलग अलग स्पीसीज के मेल फीमेल के बीच अगर क्रॉसिंग करवाई जा रही है, मैटिंग करवाई जा रही है, तो उस कंडीशन में जो है वो क्या कहेंगे हम उसको, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या अंतर जातीय संकरण, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा आंसर इसका, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब दो डिफरेंट ब्रीड्स लेकिन स्पीसीज सेम हो, आउट ब्रीडिंग का मतलब जहाँ डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती है, डिफरेंट ब्रीड भी हो सकती है, और सेम ही ब्रीड के जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं जिनकी जो है वो जो उसमें एंसेस्टर्स है वो 4 to 6 जनरेशन के एंसेस्टर्स जो है वो कॉमन नहीं हो, तो ऐसे अगर वो करवा रहे हैं तो आउट ब्रीडिंग है, आउट क्रॉसिंग, सेम स्पीसीज सेम ब्रीड्स उनके इंडिविजुअल्स के बीच करवाई जा रही है तो वो आउट क्रॉसिंग है, इंटर स्पेसिफिक का मतलब डिफरेंट स्पीसीज के बीच, क्लियर, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट, हर्ड के इम्प्रूवमेंट के लिए होती है ये, जो गो पशु होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी वेराइटी को सुधारने के लिए जो है वो इनमें यूज होती है। इन MOET काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन विद लाइक एक्टिविटी टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन, तो सुपर ओव्यूलेशन और फॉलिकुलर मैच्योरेशन के लिए इसमें कौन सा हार्मोन यूज होता है, FSH हार्मोन जो है वो इसके लिए यूज किया जाता है, क्लियर आ तक, तो इसमें यहाँ कौन सा हार्मोन आएगा, FSH हार्मोन। नेक्स्ट है इंस्टीड ऑफ 1 एग पर साइकिल एग्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू इट, इस
सुपर ओव्यूलेशन के थ्रू जो है वो इनके अंदर कितने एग्स एक बार में तैयार हो सकते हैं, 6 to 8 एग जो है वो एक ईस्टर साइकिल में प्रोड्यूस हो सकते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग एट सेल्स स्टेजेस आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर। सरोगेट मदर में जो है वो कितनी सेल की स्टेज में उसको ट्रांसफर करते हैं, 8 to 32 सेल्ड स्टेज में जो है वो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर आ तक? तो ये इनके अंदर जो है वो ब्लैंक स्पेस देखें तो फर्स्ट हेड, हेड कौन कौन से में आ रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ में, उसके बाद सेकंड में एफएसएच, ये तीन में आ रहा है, और थर्ड में जो है वो क्या आएगा 6 to 8, ये भी तीन में आ रहा है, और उसके बाद फोर्थ फर्टिलाइज्ड एग्स 8 to 32 सेल्ड, ये 8 to 32 सेल्ड। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, फोर्थ जो आंसर है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है? अभी ये इनके अंदर जो है वो करेक्ट आंसर इसका 34 है, इसमें फोर्थ हो जाएगा। सॉरी, उसके बाद आप देखें 114, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज ओवरकम बाय एम्प्लॉइंग। अगर किसी में अंतः प्रजनन अवसाद हो रहा है, अंतः प्रजनन अवसाद जिसमें बताया लगातार इनब्रीडिंग के कारण उसकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी का रिड्यूस हो जाना, वो क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए जो है वो क्या किया जाता है, आउट क्रॉसिंग जो है वो इसके लिए की जा सकती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा, आउट क्रॉसिंग के थ्रू जो है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है। क्लियर। 115, एरिथ्रोजाइलम कोका इज ए नेटिव टू, कहाँ का नेटिव प्लांट है, एरिथ्रोजाइलम कोका जो नेटिव प्लांट है वो साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा, एरिथ्रोजाइलम कोका जिससे कोकेन प्रोड्यूस होती है, तो ये इनके अंदर जो है वो साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। इसको बाद में धीरे धीरे जो है वो दूसरे कई तरह के कई देशों में भी जो इसको धीरे धीरे जो स्टेबलाइज कर दिया गया। क्लियर आ तक? तो ये इनके अंदर जो है वो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 116, व्हेन एनी सब्सटेंस टेकन फॉर ए पर्पज अदर देन मेडिसिनल यूज और इन अमाउंट्स फ्रीक्वेंसी दैट इम्पेयर्स वंस फिजिकल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस इट कॉन्स्टिट्यूट्स। जब कोई पदार्थ मेडिकल उपयोग के अलावा, एक तो क्या होता है मेडिसिनल पर्पज से अगर हम किसी चीज़ को ले रहे हैं, कोई अफीम लेता है कोई और लेता है, तो इस तरह की कोई ड्रग्स है वो अगर मेडिसिनल पर्पज से ली जाती हैं तब तक तो है उसका यूज, अगर वो मेडिसिनल पर्पज से नहीं लेकर और अपने शौक के हिसाब से अगर लेने लग जाए, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में बार बार अगर उसको यूज़ करने लग जाए, जिसके कारण उसकी बॉडी के अंदर जो है वो कई तरह के भौतिक कारिकी और मनोवैज्ञानिकी को जो प्रभावित करता है उसके। क्लियर। तो इन चीज़ों को वो अगर साइकोलॉजिकली फिजिकली जो है वो अगर उसको इम्पैक्ट करता हो तब ऐसी कंडीशन में उनको यूज़ करना वो क्या होता है, उसका एब्यूज़ होता है। मेडिसिनल पर्पज़ से उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में फ्रिक्वेंसी में यूज़ कर रहे हैं तब तक तो क्या है वो यूज़ है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने लग गए, एक्सेस अमाउंट में उसका यूज़ करने लग गए तो क्या हो जाता है, वो ड्रग एल्कोहल एब्यूज़ हो जाता है। क्लियर आ तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 117, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रोल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड इज। अगर किसी आदमी में किसी जो है वो पहले से ही क्या हो चुका है, वो पूरी तरीके से जो है वो व्यसनी पहले से हो चुका है, एडिक्शन उसके हो चुका है, ऐसी कंडीशन में जब इनके अंदर द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, बॉडी की टेंडेंसी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज, अगर उसको दी जाने वाली रेगुलर डोजेस को अगर आदमी कोई ड्रग्स ले रहा है एल्कोहल ले रहा है और अचानक आप अपने उसमें जो है वो डॉक्टरी लगाना शुरू कर दें, अचानक उसकी एक साथ रोक दें, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो उसमें कुछ एबनॉर्मल टाइप के सिम्टम जो है वो शो करने लग जाएगा, जिसको हम विड्रोल सिंड्रोम कहेंगे। तो वो चीज़ें जो है वो ये बॉडी की इस तरह की जो टेंडेंसी है जिसके कारण से उसमें इस तरह के एबनॉर्मल विड्रोल सिंड्रोम दिखने लग जाते हैं, क्या कहेंगे उस कंडीशन को, इस टेंडेंसी को जो है वो डिपेंडेंस कहेंगे। इसका मतलब बॉडी
पूरी तरीके से जो है वो साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली जो है वो उसके ऊपर डिपेंड हो चुकी है। अगर उसको वो खुराक वो डोज टाइम पे नहीं दी जाए तो वो विड्रोल सिंड्रोम जो है वो उसमें दिखने लग जाएंगे, क्लियर, एबनॉर्मल सिम्टम्स जो है वो शो करने लग जाएगा, क्लियर। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 118 है, स्पोर्ट्स पर्सन्स फ्रिक्वेंटली अब्यूज ड्रग्स। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं खिलाड़ी ज़्यादातर जो है वो कौन सी टाइप की ड्रग्स का जो है वो एब्यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने एनर्जी लेवल को एनहेंस करने के लिए वो किस तरह के जो वो ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जिनको हम इसमें जो है वो किस में डोपिंग की कैटेगरी में ले सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं इनमें, कैनेबिनोइड्स, क्लियर। एनसीईआरटी में दे रखी है आपके लाइन किन के अंदर जो है वो आजकल खूब खिलाड़ी जो है वो इन कैनेबिनोइड्स का यूज़ करते हैं अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, क्लियर यहाँ तक। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद आप देखें आगे क्वेश्चन नंबर 119, द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कोल्ड। मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क और उसके प्रोडक्ट का मैनेजमेंट करने के लिए जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए इनका मैनेजमेंट करना, इसको क्या कहेंगे, डेयरी फार्मिंग या डेयरिंग कहेंगे, क्लियर यहाँ तक, समझ गए ना। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए अगर कर रहे हैं तो हम उसको डेयरी फार्मिंग या डेयरिंग कहेंगे, क्लियर। करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाए इसका। इसके बाद नेक्स्ट 120, मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी इज, हनी बी की जो सबसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो कौन सी है, एपिस इंडिका। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में देखी जाती हैं वो इनके अंदर जो हनी बी है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन हनी बी है वो कौन सी है, एपिस इंडिका होती है। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कि मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज है वो एपिस इंडिका, क्लियर। उसके बाद 121, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एज अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज गोइंग टू प्ले ए पिवोटल रोल इन फर्दर एनहेंसिंग फूड प्रोडक्शन। तो क्या है, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल एज अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोडक्शन। तो ये एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री और फूड प्रोडक्शन के लिए जो टेक्निक्स यूज की जा रही हैं, अप्लाई की जा रही हैं, उनमें विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज गोइंग टू प्ले पिवोटल रोल इन फर्दर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को और ज़्यादा जो है वो बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक्स का यूज जो है वो किया जा सकता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स का, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों टेक्निक्स का यूज जो है वो इसमें किया जा सकता है, जो आपने एनसीईआरटी में दे रखी है, चैप्टर के स्टार्ट में ही दे रखी है कि फूड प्रोडक्शन को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए किस तरह की मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया जाए जिससे कम जगह के अंदर जो है वो खूब ज़्यादा फूड प्रोडक्शन किया जा सके, क्लियर। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, ये दोनों टेक्निक्स जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 122, सुपर ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन आर मीन्ड फॉर इम्प्रूविंग। सुपर ओव्यूलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन किसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो किया जाता है इनमें, ह्यूमन रेसेस को, लाइव स्टॉक को, प्लांट को, पोल्ट्री को। तो ये सुपर ओव्यूलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, सुपर ओव्यूलेशन ये मल्टीपल ओव्यूलेशन वाली टेक्निक, मल्टीपल ओव्यूलेशन यानी एम ओ ई टी, इसका नाम सुना होगा आपने, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। ये टेक्निक जो है वो हम किसके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए अगर यूज कर सकते हैं, पशुधन के लिए या लाइव स्टॉक होते हैं जिनके अंदर हर्ड इम्प्रूवमेंट उसके लिए करते हैं, तो ये पशुधन के लिए या लाइव स्टॉक के लिए जो है वो इसका यूज करते हैं टेक्निक का, क्लियर। इसमें नेक्स्ट 123, रानीखेत डिजीज इज रिलेटेड विद, रानीखेत रोग जो है वो किससे रिलेटेड है, हनी बी, हैंस, फिशेज, पिग्स, किससे रिलेटेड है रानीखेत डिजीज, हैंस से रिलेट होता है, जो इनके अंदर जो है वो इनमें बैक्टीरियल डिजीज है और ये इनके अंदर बैक्टीरियल डिजीज है वो इसके पोल्ट्री प्रोडक्शन को
कम कर देती है, उसको रिड्यूस कर देती है, क्लियर। तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज वेरी यूजफुल फॉर द पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। पेशेंट्स के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज वेरी यूजफुल फॉर द पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। अगर कोई पेशेंट की सर्जरी हो रखी है, ऑपरेशन हो रखा है, शल्य चिकित्सा हो रखी है उसकी, उस कंडीशन में उसमें कौन सी दवा या ड्रग्स जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है, कौन सी हो सकती है, जो उसके लिए सेडेटिव हो उसके साथ साथ पेन किलर हो। तो सेडेटिव और पेन किलर के रूप में जो है वो इनमें से कौन सी यूज़ हो सकती है, ये इनमें कोकेन, कैनेबिनोइड्स, मॉर्फिन, स्मैक, कौन सी यूज़ हो सकती है इसमें। मॉर्फिन जो है, यानी भी एनसीईआरटी में दिया हुआ साफ साफ कि इस तरह के पेशेंट के लिए जो है वो मॉर्फिन है वो यूज की जा सकती है, जो सेडेटिव भी है और उसके साथ साथ वो उसके लिए जो है वो पेन किलर का भी काम करती है, क्लियर यहाँ तक। तो ये मॉर्फिन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 125, प्रोडक्ट ऑफ हनी बी विच हैव हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड ऑल्सो यूज इन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू जिसकी हो, हनी बी का जो प्रोडक्शन है वो दो तरह के प्रोडक्शन है हनी बी के, एक तो वैक्स होता है और दूसरा हनी होता है, क्लियर आ तक। एक तो वैक्स और हनी, इसका मेन प्रोडक्शन जो है प्रोडक्ट है वो वैक्स होता है। इसके अलावा जो है वो ये इसमें हनी का प्रोडक्शन भी करती हैं। तो इनमें क्या पूछा है, हनी बी विच हैव हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, हनी होगा। एंड ऑल्सो यूज इन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, भारत के जो देसी टाइप की जो दवाइयाँ हैं उन दवाइयों को बनाने में, पौराणिक प्रकार की जो दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेद में कई तरह की दवाइयाँ यूज होती हैं उनका निर्माण करने में जिसका यूज होता हो, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, बी वैक्स, बी ब्रेड, बी विनम और हनी। तो क्या कौन सा हो जाएगा, हनी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड, क्लियर। उसके बाद 126, विच इज नॉट ट्रू फॉर इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग के लिए जो है वो इनमें से सही क्या नहीं है, तो विच इज नॉट ट्रू फॉर इन ब्रीडिंग, इट कॉजेज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आफ्टर ए फ्यू जनरेशन। लगातार अगर इसमें होता रहे, ये इन ब्रीडिंग लगातार अगर हम करवाते रहें तो इट कॉजेज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आफ्टर ए फ्यू जनरेशन, तो करेक्ट है ये पूछा नॉट ट्रू, कौन सा इसके लिए ट्रू नहीं है, तो ये करेक्ट है, ट्रू है इसके लिए, इट ऑलवेज इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, ये फॉल्स है। क्या करता है ये, इंक्रीज करने की बजाय जो है वो प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है, क्लियर यहाँ तक, ये फॉल्स हो गया। इट इज यूज टू प्रोड्यूस ए प्योर लाइन ट्रेट जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी इन ब्रीडिंग जो है वो जरूरी है। इट लीड्स टू होमोजाइगोसिटी, तो प्योर लाइन ट्रेट आ रही है इसका मतलब ये होमोजाइगोसिटी जो है उसको भी क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। तो होमोजाइगोसिटी डेवलप होने के कारण ही क्या होती है, प्योर लाइन ट्रेट जो है वो प्रोड्यूस होती है इसमें। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए सही है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या होगा, सेकंड जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट ऑलवेज इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज नहीं करता प्रोडक्टिविटी को, डिक्रीज कर रहा है, क्लियर यहां तक। तो प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद इसमें देखें नेक्स्ट 127, सेलेक्ट द मेराइन एडिबल फिशेस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये इनमें एडिबल फिश जो है वो इनमें से कौन सी है, और वो भी कौन सी बतानी है आपको, मेराइन देखनी है। तो मेराइन एडिबल फिश या जो मेराइन कार्प जो है वो इनके अंदर कौन सी है, सर्डाइंस, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में दे रखी है, सर्डाइंस है, कॉमन कार्प ये फ्रेश वाटर होती है, रोहू फ्रेश वाटर है, तो ये कॉमन कार्प, रोहू ये फ्रेश वाटर फिश आ गई, हिल्सा ये आ जाएगी इसमें, मेराइन है और उसके साथ साथ एडिबल भी है, पॉम्फ्रेट ये मेराइन भी है एडिबल भी है, मैकरेल मेराइन भी है एडिबल भी है, कटला एडिबल है लेकिन फ्रेश वाटर फिश है। तो इसमें क्या देखना आपको, सेलेक्ट द मेराइन एडिबल फिशेज फ्रॉम द फॉलोइंग, मेराइन के साथ साथ एडिबल हो वो कौन कौन सी, इसमें फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आंसर इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसमें नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट ब्रीडिंग इज रॉन्ग, ब्रीडिंग के लिए जो है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला है कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये करेक्ट है। लगातार अगर इन ब्रीडिंग होती रहे तो क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब भी जो है वो क्या होता है, फर्टिलिटी का और प्रोडक्टिविटी का डिक्रीज हो जाना, क्लियर यहाँ तक, तो ये इनमें सही है। बाय इन ब्रीडिंग प्योर लाइन कैन नॉट बी इवॉल्व, ये इनकरेक्ट हो गया। बाय इन ब्रीडिंग प्योर लाइन्स कैन नॉट बी इवॉल्व, क्या होता है, इन ब्रीडिंग से होता ही प्योर लाइन ट्रेड प्रोड्यूस होती है, समझ गए ना, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज, ये पूछा गया इसमें रॉन्ग पूछा स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट सेकेंड ही हो गया। थर्ड भी देख लें, क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड, सही है। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब जो है वो क्या है कि दो अलग अलग ब्रीड है उनकी क्वालिटी को एक साथ अगली जनरेशन में लेके आना, तो वो क्या हो जाएगी, इनमें क्रॉस ब्रीडिंग होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। इन ब्रीडिंग एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाई सेलेक्शन, तो इन ब्रीडिंग जो है वो क्या करते हैं, हार्मफुल जो रिसेसिव जीन्स है उनका जो है वो एक्सपोज करता है उनको, और एक्सपोज करने के बाद उसके साथ साथ जो है उनको सेलेक्ट करते हुए उसको खत्म कर देता है, क्लियर यहाँ तक, तो हार्मफुल जीन्स जो है उनको एक्सपोज करवाता है, तो हार्मफुल जीन को अंत प्रजनन हानिप्रद प्रभावी जीन को उद्भाषित करता है जो चयन द्वारा उनका निष्कासन कर दिए जाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो है वो कौन सा हो गया, बाय इन ब्रीडिंग प्योर लाइन कैन नॉट बी इवॉल्व, ये इसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्लियर, बाकी सारे करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखें 129, टबेको कंटेंस एन एल्केलॉइड कोल्ड, टबेको में कौन सा एल्केलॉइड जो है वो प्रेजेंट होता है, तो निकोटीन एल्केलॉइड जो है वो टबेको में प्रेजेंट होता है जो एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है, क्लियर यहाँ तक, तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा निकोटीन। उसके बाद अब देखें 130 गिवन स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट्स, इनमें से ये दोनों स्ट्रक्चर आपको देखनी है कौन सी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पहले में मॉर्फिन निकोटीन, ये निकोटीन नहीं है, गलत हो गया, निकोटीन ये निकोटीन कोश ही नहीं है, ये भी गलत हो गया, कैनेबिनोइड्स मॉर्फिन, ये उल्टा दे दिया, ये जो है वो मॉर्फिन है, ये कैनेबिनोइड्स है, इसका मतलब फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट है, पहला मॉर्फिन है दूसरा कैनेबिनोइड्स है, क्लियर। उसके बाद 131 PMNL इंडिकेट विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इननेट इम्यूनिटी, PMNL का मतलब पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, तो पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट में जो है वो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर इसमें पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स या PMNL जो है इसमें न्यूट्रोफिल्स है जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, और ये फैगोसाइटिक सेल्स है वो क्या काम करती हैं, इन फैगोसाइटिक सेल्स का जो फंक्शन है वो ये रहता है कि डायरेक्ट जो है वो उसकी कोई भी पैथोजन या एंटीजन आ रहा है उसकी फैगोसाइटोसिस करके उसको खत्म कर देती हैं, क्लियर यहाँ तक। इसका मतलब किस तरह का बैरियर होना चाहिए, डायरेक्ट सेलुलर अटैक है, तो डायरेक्ट सेलुलर अटैक है इसका मतलब सेलुलर जो है वो बैरियर हो जाएगा, क्लियर, तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 132, सब्सटेंस विच इज सेक्रेटेड बाई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज नोन एज, अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है वो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो कोई केमिकल सीक्रेट कर रही है, और वही केमिकल जो है वो दूसरी जो नॉन इन्फेक्टेड जो सेल्स होती है उनको फर्दर वायरल इन्फेक्शन से अगला वायरल इन्फेक्शन जो है वो दूसरी नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल पर उसका कोई इन्फेक्ट नहीं हो जाए, उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स क्या सिक्रीट करती है, इंटरफेरोन का सिक्रीशन करती हैं, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, इंटरफेरोन होगा। ऐसा सब्सटेंस कौन सा होगा, इंटरफेरोन होगा जो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करती है और वो दूसरी नॉन इन्फेक्टेड सेल को वायरल इन्फेक्शन से बचाती है, क्लियर, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखें 133 है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन
फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कॉलम मैचिंग अगर हम करें तो एक्टिव इम्यूनिटी में इनमें से क्या क्या होगा? एक्टिव इम्यूनिटी, ऑन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये करेक्ट है। खुद की सेल एंटीबॉडी बनाती है, इसमें एक्टिव इम्यूनिटी में समझ रहे हो ना, कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है उसके अगेंस्ट खुद की सेल है वो एंटीबॉडी बनाती है, तो एक्टिव इम्यूनिटी है। बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हो तो वो पैसिव इम्यूनिटी है, तो ये सही है। स्नैक एंटीविनम, ये पैसिव इम्यूनिटी है। लॉन्ग लास्टिंग, ये सही है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे टाइम तक चलेगा इसका इफेक्ट। उसके बाद नो साइड इफेक्ट, ये भी सही है, इसका साइड इफेक्ट भी एक्टिव इम्यूनिटी का नहीं होता, पैसिव इम्यूनिटी के साइड इफेक्ट के चांसेस होते हैं। इमीजिएट रिलीफ, इमीजिएट रिलीफ इसका नहीं होता। इमीजिएट रिलीफ है वो किससे होता है? रेडीमेड एंटीबॉडी अगर दे रहे हो आप, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी अगर आप दे रहे हो उसको, तो रिलीफ है वो फास्ट होता है, इससे रिलीफ में कुछ टाइम लगता है, रिलीफ आफ्टर लॉन्ग पीरियड, तो लॉन्ग पीरियड के बाद जो है वो रिलीफ होगा। तो 1, 3, 4 और 6 ये तो एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी में स्नैक विनम, ये पैसिव इम्यूनिटी, इमीडिएट रिलीफ, ये पैसिव इम्यूनिटी, ये इनके अंदर जो है वो पैसिव इम्यूनिटी है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर तो क्या जाएगा, कौन कौन से हैं? 1, 3, 4 और 6। तो एक्टिव इम्यूनिटी में 1, 3, 4, 6 ये आ जाएंगे, और पैसिव में 2nd और 5th आ जाएगा। तो 2nd आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134, स्मैक इज केमिकली विच कॉजेज इफेक्ट ऑन द बॉडी फंक्शन। स्मैक इज केमिकली विच कॉजेज इफेक्ट ऑन द बॉडी फंक्शन, क्या होती है केमिकली? डाई एसिटिल मोरफिन होती है, विच कॉजेज डिप्रेशन इफेक्ट ऑन द बॉडी फंक्शन। तो करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा, क्या होती है केमिकली जो है वो स्मैक है, वो डाई एसिटिल मोरफिन है, समझ में आ गई? मोरफिन के एसिटिलेशन से बनती हैं, तो ये डाई एसिटिल मोरफिन होती हैं जो बॉडी पर डिप्रेशन का इफेक्ट जो है वो शो करती हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका? 3rd आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन कॉम्बिनेशंस, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। इनके अंदर जो है वो आप देखिए, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स जो है वो किस टाइप का? इनमें पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम अफीम जो है वो ओपियोइड्स में आती हैं। कैनेबिनोइड्स, कैनेबिनोइड्स के अंदर कैनाबिस सैटिवा, इससे इनके अंदर जो है वो इनफ्लोरेसेंस को यूज करते हैं, इनमें पादप का जो पुष्पक्रम है इनफ्लोरेसेंस उसको यूज करेंगे। स्मैक जो है वो क्या होती है? डाई एसिटिल मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन का एसिटिलेशन। कोकेन, ये साउथ अमेरिका का जो प्लांट होता है कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका, उससे प्रोड्यूस होती है। और डटूरा, प्लांट विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, ये हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी का प्लांट होता है। तो ए के साथ तो क्या है? 4 है, बी के साथ 5, ए के साथ 4, बी के साथ 5, इन दो में आ रहा है। उसके बाद सी के साथ 1st, ये भी इन दो में आ रहा है। उसके बाद डी कोकेन, कोकेन के साथ 2nd, ये इसमें आ रहा है। और ई के साथ रटूरा 3rd, ये आ रहा है। तो 4th आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, 4, 5, 1st, 2nd, 3rd। तो 4, 5, 4, 5, उसके बाद 1st, 2nd, ये 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 1st, 2nd, 3rd, 4th आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। ये आपके जो है वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, उम्मीद है आप सभी का अच्छा हुआ होगा। फिर भी अगर कोई कंट्रोवर्सी लगी हो पेपर में कुछ भी, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो दिमाग में इनको फीड कर लें कि करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लियर। ओके, थैंक यू।